नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेमन फ्राई में। आज हम बनाने जा रहे हैं खीर। आ गया ना मुंह पे पानी। खीर का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। तो खीर बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है 6 दूध का इस्तेमाल करना। मैंने इसमें अमूल ताज़ा का इस्तेमाल किया है जो कार्टन पैक में आता है, जो बाकी दूध के कंपैरिजन काफ़ी थिक रहता है। दूध की क्वालिटी जितनी अच्छी रहेगी खीर उतना ही टेस्टी बनेगा। और चावल अगर आप छोटे दाने वाले चावल लेंगे तो खीर बहुत ही क्रीमी बनता है, तो मैंने इसमें छोटे दाने वाले चावल लिए हैं। और उसके अलावा हमें चाहिए किशमिश, बादाम, काजू और चिरौंजी। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम चावलों को अच्छे से धो लेंगे। इसे 2-3 बार पानी चेंज करके धोइएगा। जैसे ही अच्छे से धुल जाए तो इसमें पानी डालकर कम से कम आधा घंटे के लिए सोख करके रख दीजिएगा। सोख करने से चावल जल्दी पकते हैं। अब मैंने एक पैन में घी गरम कर लिया है। अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा से भून लेने से ड्राई फ्रूट्स में जो नटी टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से भून लीजिए। इसमें मैंने सिर्फ काजू और बादाम को भूना है और चिरौंजी को हम एज़ इट इज़ यूज़ करेंगे, उसे भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जो नटी फ्लेवर आता है काजू और बादाम का वो बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे धीमी आंच में थोड़ा सा घी के साथ अच्छे से भून लीजिए। जब इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो आप इसे निकाल के अलग रख लीजिए। अब हम दूध गर्म करेंगे। ये मैंने दूध को ऑलरेडी उबाल के रखा हुआ है, इसमें सिर्फ मैंने अमूल का दूध डाला है। अब हम इसमें डालेंगे अपने चावल जिसे हमने भिगो के रखा था, और साथ में जाएगा ढेर सारे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स, चिरौंजी आप डाल के देखिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है घी खीर में। और मैंने इसे चावलों के साथ ही डाल दिया है। और साथ में चाहिए इलायची पाउडर जिससे खीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहे तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं। आपको जितना पानी डालना है चावल को कुक करने के लिए उतना पानी आप इसमें डाल सकते हैं। ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि हमें खीर काफ़ी क्रीमी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ अभी चावल कैसे दिखते हैं और कब तक हमें इसे पकाना है। देखिए चावल काफ़ी खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं, आई होप आप देख पा रहे हैं। चावल काफ़ी खड़े खड़े हैं, पके नहीं रहते जब हमने डाले रहते, तो इस तरह से खड़े खड़े चावल दिखते हैं। अब इसे लो फ्लेम में कम से कम 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए। ये पकने में टाइम लगता है, बीच बीच में आप इसे हिलाते रहिएगा, चावल आराम से पक जाएंगे। समय लगता है पर स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। 15 मिनट बाद अब देखिए चावल पक गए हैं। मैं इसे उंगलियों के बीच में दबा के देख रही हूँ तो सारे चावल आराम से मैश हो जा रहे हैं। अब मैं एक दाल मखनी का इस्तेमाल करूँगी। लीजिए और इसे हल्का सा फेंट दीजिए। कुछ लोग होते हैं कि इसमें कुछ चावलों को वो पीस के डाल देते हैं। पीस के डालने से दूध काफ़ी क्रीमी बन जाता है, पर वो जो टेक्सचर आना चाहिए छोटे छोटे चावलों का वो नहीं आ पाता। इस वजह से मैं इसमें चावलों को कुक करने के बाद थोड़ा सा दाल मखनी के साथ इसे मिक्स कर लेते हैं, जिससे हमारे जो पके हुए चावल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसे एक क्विक सा बॉईल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने 1 कप चावल में 1.5 कप शक्कर का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छे से मिला लीजिए। हमारी खीर बनके तैयार है। देखिए अभी आपको जितना ये पतला नज़र आ रहा है, जैसे ही ये ठंडा होगा खीर काफ़ी क्रीमी और काफ़ी थिक हो जाएगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारी खीर जो बनके तैयार है ठंडे होने के बाद, बहुत ही क्रीमी, फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स और दूध भी गड़ गड़ के गाढ़ा हो गया है और ये बहुत ही स्वादिष्ट नज़र आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।